नाउ अब हम आपको गोजुरू के जितने प्रैक्टिशनर्स हैं और मेरे ख्याल से गोजुरू एक स्टाइल है कराटे के लिए ही एक न्यूज़ होती है, एक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो गोजुरू की प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए आज मैं एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ। ये जो मेरी बैक साइड पे आप ये देख रहे हैं ये मैनुमेंट है चोजिन मियागी का, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ गोजुरू कराटे। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि चोजिन मियागी और उनके टीचर दोनों की जो कवर है वो एक साथ बनाई गई है। तो आई थिंक ये एक इंस्पिरेशन भी है हमारे लिए और ये एक सबक है हमारे लिए कि जो टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है वो इतना मजबूत है और इतना अहम है कि मरने के बाद भी कुछ लोग साथ ही दफनाए जाते हैं। तो ऐसे हमारे भी मुस्लिम मज़हब के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चूँकि हम यहाँ पर कराटे के लिए आए हैं तो हम कराटे पर जो है रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन और बाय फुटवर्क जो है बनाना चाहिए वीडियो। सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है कि चोजिन मियागी और उनके टीचर के साथ यहाँ बैक साइड पर उनकी इंफॉर्मेशन भी एक साथ लिखी गई है। तो आई थिंक इनकी बैक साइड पर बिल्कुल मोन्यूमेंट की जो बैक साइड है वो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो हिस्सा है ये चोजिन मियागी के टीचर के बारे में और उनकी मौत कब हुई, कब उनकी पैदाइश हुई उसके बारे में लिखा हुआ है और उनकी क्या खिदमात रहीं वो भी थोड़ी बहुत बात इसमें लिखी हैं, सब नहीं लिखी। सेम इसके बारे में ये जो जगह है इस सेपरेट जगह अलग है और ये जो जगह है यानी यहाँ जो ये कांजी लिखी हुई है जापनीज़ किनावन सॉरी, इसमें चोजिन मियागी के बारे में और उनकी मौत के बारे में, उनकी ज़िंदगी यानी उनकी डेट ऑफ बर्थ कह रहे हैं आप या उनकी जो उनका एन इन टाइम है और जिनके बर्थ टाइम है वो दोनों से मैंशन किया हुआ है। द कांजी इज लाइक दैट। तो खैर तो ये सब जो है यहाँ पे जो कराटे के साथ कराटे सीखते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अकीदतमंदी जिसे हम कहते हैं कि मास्टरों के बारे में मालूम होती है, उनकी प्रैक्टिस के बारे में, उनके लिनिश के बारे में और आप ये कह सकते हैं कि उनका जो वे था वो उसके बारे में जो है हमने मालूम होनी चाहिए। तो सबकी बात नहीं करूँगा तो मैं जनरल बात कर लेता हूँ कि सिर्फ किक पंच करना और कराटे के अंदर कंपटीशन को जीतना इतनी ही जहादत है कि जैसे हम सड़क पे लड़ना सीख लें और हमारे पास रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन के लिए कोई ऐसी तरकीब ना हो। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्ट विद अस। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जो एक बहुत अहम साबित होगी दुनिया के हर मार्शल आर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।